फकरे का एक जिक्र जरूर करता हूँ ताकि नौजवानों को पता हो कि जब जलजला आया था इस मुल्क में तो मैं फकरे आलम की वजह से बाहर निकला था उस वक्त। ये बड़ा एक मोटिवेटिंग फोर्स था मुझे याद है, मुझे बिल्कुल याद है। तो फकर इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द 6th दैट इज टुडे ऑन आवर शो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मुबशिर भाई, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी ऑन योर शो हमेशा की तरह, एंड इट्स ग्रेट टू बी शेयरिंग टाइम विद सलमान हियर एज वेल। सलमान की भी बहुत बड़ी जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन रही है पाकिस्तान की नौजवान असल के हवाले से। और मुबशिर भाई, आज जहां पाकिस्तान खड़ा है वहां पर आप जैसे बहुत सारे मीडिया के हमारे दोस्तों की कॉन्ट्रीब्यूशन रही है कि सच को, हकीकत को, हकायक को और बहुत सारी ढकी छुपी बातों को, जिससे कि आवाम की नजरों में, आंखों में धोखा जो था वो दिया जा रहा था आवाम को, उस पे से आपने पर्दा उठाया ताकि हम आज यहां तक पहुंच सकें। और आज का दिन ऑफकोर्स हमारा डिफेंस डे 6 सितंबर, हमारी अफवाज का दिन, हमारे शहदा का दिन, हमारे गाजियों का दिन, हमारे मुल्क की आजादी का दिन, इन फजाओं में जिसमें हम ये सांसें ले रहे हैं, जिसमें अभी आपने कहा कि एयर कंडीशन स्टूडियोज में बैठे हुए हम शो कर रहे हैं, ये सब कुछ इस वजह से पॉसिबल है कि वो बेवकूफ लोग, वो लोग जो के कहते हैं कि जनाब, जो ताने मारते हैं, कहते हैं जनाब वो फौज ने ये कर दिया और इस चीज के पीछे तो वर्दी है। आज कान खोल के मेरी बात सुन लो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीज हमवतनों, मेरे दोस्तों, ये जो आजादी है इसके पीछे वर्दी है। ये इलामा इकबाल का ख्वाब जो जिना साहब की स्ट्रगल के बाद हमें आजादी मिली, कायद आजम मोहम्मद अली जिना के बाद, उसको मेंटेन करने में जब दुश्मन बार बार ताबक तोड़ हमले कर रहा था हमारे ऊपर मुख्तलिफ नौयत की कोवर्ट वॉर जो हमारे ऊपर डिक्लेयर हुई हुई थी उसको बचाने के लिए इतने मुश्किल तूफान से लौट के हम वहां से यहां तक पहुंचे हैं, ये इस फौज की वजह से है। और बहुत सारे लोग जो हैं जो मुझे तनकीद का निशाना बनाते हैं, मुबशिर भाई, आपको, मुझको या हम जैसे दोस्तों को, जो फौज के बारे में, फौज की बहुत ज्यादा कहीं गलती से तारीफ कर देते हैं या फौज के बारे में बहुत कुछ बोल देते हैं कि जनाब ये देखिए ये तो बूट चाट रहे हैं, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं जनाबे वाला कि जब आप अपनी औलादों को वर्दी पहन के सरहदों की हिफाजत करने के लिए भेज देंगे ना, और जब आपको अपने बेटे के बदले में एक झंडा मिलेगा, या आपके वालिद के बदले में आपको एक झंडा मिलेगा, या आपके भाई के बदले में आपको झंडा मिलेगा, उस वक्त आपको एहसास होगा कि ये फौजी और ये फौजियों के मां बाप ये कौन सी जात के लोग होते हैं। तब आपको एहसास होगा कि ये जो आप लिबरल बातें करना चाहते हैं, जो कि मैं सपोर्ट करता हूं, मैं एक सेक्युलर आदमी हूं, लिबरल आदमी हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी लिबर्टी और मेरी आजादी की जमानत एक मेरा एक इदारा है, एक फौज है जो हम सबके पीछे खड़ी होती है ताकि हम ये सब कुछ कर सकें। सो हमें कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं शो करनी चाहिए अपने शहदा के लिए, अपने गाजियों के लिए, अपने फौजियों के लिए, अपने जवानों के लिए।